हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मैं क्लास 12th बायोलॉजी के यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स के लिए। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की 3 यूनिट्स के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट एंड रिड्यूस सिलेबस के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप बायो में औसम सा एग्जाम देकर आना चाहते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर कर लेने चाहिए। लेकिन टाइम की कमी की वजह से अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सारे क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर कर सकते, टाइम कम पड़ जाएगा, तो बच्चा उस केस में आप सिर्फ उतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा जिन क्वेश्चंस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दूंगी। आप सिर्फ उतने क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपका बायो का पेपर डिसेंट सा चला जाएगा, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है, तो आई गेस सारे क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा है कि आप इंपॉर्टेंट वाले कर लें। और जिसको अच्छा स्कोर लाना है बायो में, मतलब 70 में से 65 प्लस लेके आना है, तो वो ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाइएगा, आपका पेपर जरूर से अच्छा जाएगा। इसके अलावा चैनल पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। कोई स्टूडेंट वो वीडियो देखने में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप सभी को उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पूरी यूनिट का जो आपका टोटल वेटेज है वो 12 नंबर का है, जिसमें से 5 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क का भी एक क्वेश्चन आएगा। इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करने जरूरी हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बट टाइम कम है और आपको सिर्फ पास होना है या डिसेंट मार्क्स लेकर आने हैं, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, बिल्कुल छोड़ के कुछ नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है वो है, राइट फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ इंसुलिन प्रिपेयर्ड बाय मेन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय जीन क्लोनिंग, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ए है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बी है बायोरिएक्टर एंड इट्स डायग्राम, सी है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्लाज्मिड, राइट डाउन इट्स टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पीसीआर विथ लेबल्ड डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय यूजिंग प्लाज्मिड एज कैरियर ऑफ जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट इट्स यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर से, डू यूकैरियोटिक सेल्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये थे आपके चैप्टर 11 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड, गिव टू एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। ए है बायोपायरेसी, बी है बायोपेटेंट, सी है जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जीएमओ, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, इलस्ट्रेट यूजिंग एनी वन एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर क्राइ प्रोटीन्स, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट, हाउ हैज मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस, एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, व्हाट इज यूजेनिक्स, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये थे आपके सारे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में से आपका जो टोटल वेटेज है वो 12 नंबर का है, जिसमें से आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सबसे पहले हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज डायपोज डिफरेंट फ्रॉम हिबर्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशंस पजेस बट नॉट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एक्टोधर्म्स एंड एंडोधर्म्स। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फेनोटाइपिक एडॉप्टेशन, गिव वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज राइट मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन ज़ेरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट है हिबर्नेशन एंड एस्टिवेशन, सेकेंड है एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द वेरियस अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। 11 क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, ए है पॉपुलेशन, बी है कम्युनिटी, सी है कम्युनलिज्म, डी है म्यूचुअलिज्म और ई है पैरासिटिज्म। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से है लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट वन इज गिव अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉफिक लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट इट्स वेरियस स्टॉप्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल डिमांड। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। Next question is what is primary productivity? Give brief description of factors that affect primary productivity. और last question is chapter से write silent features of carbon cycle in an ecosystem. I hope आप सभी ने सारे question कहीं note कर लिए होंगे या फिर सबका screenshot ले लिया होगा। बच्चों अच्छे marks लाने के लिए आपको ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोच के ये वीडियो देख रहा है कि मैं हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पढ़ लूंगा और फिर भी मेरा बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो बच्चा ये चीज एक मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, टॉप पे जाने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा ही करनी पड़ती है। तो आप एक माइंडसेट बना के चलिए कि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। आप में से कई बच्चे बोलते हैं इतने सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप 70 में से 70 स्कोर करें और उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन ही मुझे बताने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2-4 क्वेश्चन कर लें आप और फिर पास हो जाएं, तो पास होना पॉसिबल है, बट उससे अच्छा स्कोर आना पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं और पास होना है, तो उनके लिए सेपरेट वीडियोस आएंगी कुछ टाइम बाद। बट ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट जो बहुत हाई है, जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आई होप आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे कि अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ती है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सभी को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर लाइफ में हो, किसी भी चीज में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करने से मत घबराइए, बस एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि अभी हमसे सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं हर चैप्टर के, तो हम उतने कर लेंगे जिसपे मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया है। एक बारी सभी चैप्टर्स में आप वो वाले क्वेश्चन कर लें तो फिर बचे हुए क्वेश्चन आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं करना। तो आई होप आपको मेरी बातें थोड़ी समझ आई होगी। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत करने से घबराना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट।